हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कल के ब्लॉग में आपको बताया था कि हमारे वहाँ जो मतलब रुए की धुनाई करने वाले भैया लोग आए थे, फिर उनसे हमने तकियाएँ बनाई थी। और मैंने बताया था कि आधी प्रोसेस तो मैंने आधी से ज़्यादा आपको दिखा दी थी कि कैसे बनाई उन्होंने रजाई से तकिया, और उसके बाद का वीडियो आप देखिए और कितने तकिया बनाए बनी कितनी तकिया बनाए उन लोगों ने, वो भी आप देखिए। देखिए फ्रेंड्स, ये मोनू की दादी हैं, इनसे बात कर रही हूँ। ये गांव जा रही है, हमारे गांव में अब शादियाँ हैं एक दो, तो ये लोग गांव जा रहे हैं मोनू और उसकी आमा। तो फिर जाते समय बोल ली है मुझे कि जा रही हूँ मैं करके, हमसे ऐसे बता के जा रही हैं। तो फिर मैं बोल रही हूँ कि ठीक है, शादियाँ हैं तो जाना ही हुआ। देखिए फ्रेंड्स भी कैसे बना रहे हैं वो लोग अपना, मतलब जो तकिया बना रहे हैं वो लोग कैसे कर रहे हैं आगे की कार्रवाई, आप लोग पूरा देखिए वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा देखिए फ्रेंड्स, बीच में स्किप मत कीजिएगा। बीच बीच में कहीं कहीं पर को प्राकृतिक आपको सुंदर दृश्य भी देखने को मिलेंगे। अच्छा, आ गया पूरा। अब इनकी सिलाई होगी। ज्यादातर तो क्या बाद में उस टाइप की हो जाती है ना, अलग अलग कपड़ो हो जाता है, एक साइज का नहीं रह पाता फिर। Thank you.
रुई धुनाई तक टाइम लगता है, बांके पे फिर फटाफट हो जाते हैं। एक किलो रुई की एक तकिया बन गई। मतलब बनती तो आधा किलो की भी होगी लेकिन छोटी बनेगी है, मीडियम पतला। तुम लोगों का आधार कार्ड भी बना है? आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड सब होगा। पैन कार्ड भी है? खाता तुम्हारा यहाँ है या वहीं बिहार में है? अच्छा, ऑनलाइन चलता होगा। वैसे एटीएम तो हर जगह चलता है। एटीएम भी रखा होगा फिर तुम लोगों ने, एटीएम से निकालते होंगे ना? गूगल पे करते होंगे। अब तो बढ़िया सुविधा हो गई भैया तुम लोगों को। पहले तो पैसे ऐसे जैसे कमाई के तो रखने के लिए भी प्रॉब्लम ही होती होगी। हाँ, खाते में डाल दो बस, अपना उससे इधर उधर चोरी होने का इससे डर गए, जैसे कहीं खोने से डर गया। पहले कहीं पर्स में रखे रहते थे, पूरा पर्स ही गायब हो गया तो पूरा नुकसान हो गया। अब ऐसे जेब में पर्स में रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अपने काम के लिए थोड़ा बहुत रखो बस हो गया। हाँ, होटल में खाना खाओ तो गूगल पे कर दो, अगर कुछ लेना है उसमें गूगल पे कर दो या का। सरकार ने ये काम तो बढ़िया किया है तुम लोगों ने, काम करने वालों के लिए ना। हाँ, कहीं फंस गए कहीं कुछ हो गया तो चलो। हाँ, फीस वीस सब उसी में जाता है आजकल। हमारे बच्चे भी हैं, बच्चे शादी हो गई। अच्छा, वहाँ गांव के नजदीक में स्कूल होगा? हाँ है। अच्छा, स्कूल है गांव का, हमारे इधर का है ना स्कूल है, लेकिन पढ़ाई सही। टीचर लोग आते नहीं? कितने तक है स्कूल? अच्छा 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 फल वल भी होते हैं, आम आम जैसे अमरूद? अच्छा, पपीता ये चीज है ना। खेती बाड़ी बहुत होता है, बरसात में दिक्कत होती है। बरसात से दिक्कत नहीं होता, वो दहर आता है ना, तो वही ना बरसात से ना बाहर आ जाता है बहुत पानी।
कपड़ा खराब हो जाएगा, रुई वैसी रहेगी ना। ये धूप में रख के और खिल जाती है। चलो आप लोगों की यादगार रह जाएगी ये तकिया बनाई करके हैं। इसके बाद कहाँ जाओगे? अच्छा अच्छा आजकल ये जो मार्केट में गद्दे वाले बैठते हैं वो भी बैठते होंगे। अच्छा हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए ये इतनी सॉफ्ट और इतनी मतलब इतनी अच्छी हमारी पांच तकिया बन गई। देखिए ये कपड़ा भी उन्होंने लगाया, देखिए कितना अच्छा कपड़ा है, ये कॉटन का कपड़ा है ये। और ये तकिया दिखने में मोटी लग रही है, लेकिन फ्रेंड्स मैं वो मोटी तकिया नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि गर्दन में दर्द हो जाती है। पतली सी तकिया है तो कंबल ही फोल्ड करके, कभी कभी कोई मोटा शॉल फोल्ड करके लगा लेती हूँ अपने मतलब सर पे। लेकिन ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये, देखिए ये, और मतलब लगभग 650 रुपये लगे शायद हमारे, क्योंकि वैसे मेरे हस्बैंड ने दिए थे मुझे, उतना पके से तो वो नहीं है, लेकिन इतने लगे थे शायद, मैं सुन रही थी। और कम ज़्यादा होंगे तो मैं आपको दूसरे ब्लॉग में बता दूंगी। और हमारा मतलब रुई हमारी थी और कपड़ा उनका था, 5 किलो की थी वो रजाई, तो ये 5 तकिया बन गया, उसका कपड़ा भी बच गया, पोछा वगैरह में किसी चीज़ में वही यूज हो सकता है, या देखते हैं कुछ अगर थोड़ा ठीक होगा तो कुछ कर लेंगे उसका इस्तेमाल, पोछे के काम का आएगा वो। तो फिर देखिए फ्रेंड्स आज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और आप ही जरूर बनाइएगा ऐसे मतलब पुरानी रुई का या गद्दा रजाई या कुछ भी है या तकिया भी है तो उनकी धुनाई करिए, रुई भी बिल्कुल साफ हो जाती है। वो भैया बोल ही रहा था कि रुई कभी 100 साल 200 साल बाद भी खराब नहीं होती, जो प्योर होती है, ये प्योर होगी क्योंकि गादी आश्रम की बहुत ही अच्छी रजाई थी, 14-15 साल हो गए होंगे, 15-15 साल हो गए होंगे उसको, हमने जब यहाँ आए थे तो शुरू में ली थी वो, काशी में आए थे। तो आप भी जरूर बनाइएगा, उन लोगों को भी रोजगार मिल जाता है चाहकर। तो फिर फ्रेंड से बताइए आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।